अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हमारे पास तकरीबन सात एक चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे, उसके बाद उनके प्राइस रेंज की बात कर लेंगे, कौन सी चीज़ कितनी प्राइस में मौजूद है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग भाई के चैनल पे न्यू लैंड हुए हैं तो प्लीज़ भाई के चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में ऑल बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिलता रहे। यहाँ पर हम बहुत सारी सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स पे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हमारे पास तकरीबन सात चीज़ें हैं। एक माइक्रोवेव ओवन है, एक फ्रिज, दो माइक्रोवेव ओवन है, एक फ्रिज है, कुकिंग रेंज है, दो वॉशिंग मशीन है, एक आईफोन 8 प्लस 64 GB में है हमारे पास, ठीक है। आज की वीडियो में ये तकरीबन सात एक चीज़ें बनती हैं। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को मस्ट लाइक करना यार, प्लीज़ ज़रूर एक लाइक बस। अगर कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो उसका जो नंबर होगा, ठीक है, वो कमेंट सेशन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक कमेंट किया होगा मैंने खुद ही, तो उसमें सारे नंबर मेंशन होंगे तरतीब वाइज, 1 2 3 4 5 6 7 सात चीज़ें हैं तो सात नंबर नीचे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी चीज़ आपको आपकी सिटी में होगी तो उस तरतीब वाइज नंबर देख लेना, जैसे यहाँ पर तरतीब वाइज चीज़ें आएंगी वैसे ही तरतीब वाइज आपको वहाँ पर नंबर कमेंट सेशन में मिलेगा, ठीक है। हो गया, सबसे पहले बात करते हैं डॉलेंस के माइक्रोवेव ओवन की, जो कि ओवरऑल कंडीशन में आपको बताया जाए तो उतना आप 8x10 है, बॉडी वाइज कंडीशन ओके है, चलने के लिहाज से भी 100% ओके है, किसी किस्म का कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मॉडल सुन लो, मॉडल नंबर सुन लो, अगर आप लोग गूगल करना चाहते हो, देखना चाहते हो कितने का नया आ रहा है तो वो भी आप देख सकते हो। मॉडल है जनाब DW294S, ठीक है, मॉडल फिर ढूंढ लो DW294S, ठीक है, लाहौर में मौजूद है, लाहौर वाले इसको परचेज़ कर सकते हैं। प्राइस इसकी 8000 रुपया उन्होंने मांगा हुआ है, प्राइस फाइनल नहीं है, प्राइस रेंज की बात कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पे है हमारे पास डॉलेंस की ही फ्रिज, जो कि कंडीशन वाइज बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। बॉडी कंडीशन देखी जाए तो काफ़ी अच्छी बॉडी कंडीशन है, चलने के लिहाज से भी भाई आल ओके है, किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 100% इन्होंने भी लिखा हुआ है, वर्किंग में है, नो एनी फॉल्ट, ग्रे कलर में आपको देखने को मिल जाती है। 16900 रुपया मांगा हुआ, कराची में मौजूद है, तो भाई कराची वाले परचेज़ कर सकते हैं। फाइनल प्राइस नहीं है, अगेन वही बात है, प्राइस रेंज की बात आप लोग खुद कर सकते हो। देन हमारे पास फिर माइक्रोवेव ओवन, जो कि डॉलेंस में ही है, ठीक है। डॉलेंस की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, मतलब कि हर बंदा ही डॉलेंस की चीज़ परचेज़ कर रहा होता है। अच्छा, फिर ये डॉलेंस का आपको माइक्रोवेव ओवन मिल जाता है, ये भी भाई बॉडी वाइज कंडीशन इसकी ख़राब है, तकरीबन आप 7x10 कह सकते हो, 6x10 कह सकते हो, चलने के लिहाज से ये ठीक है, ठीक है, वर्किंग में है, ऑलमोस्ट वेरी गुड कंडीशन, मतलब कि बॉडी वाइज कंडीशन तो इतनी अच्छी नहीं है, पर आप ये कह सकते हो अगर चलने के लिहाज से ठीक है, काम देता है, ठंडा गर्म करता है तो बेहतरीन है, तो फिर आप इसको परचेज़ कर सकते हो। G9 इस्लामाबाद में मौजूद है और लगभग 6500 रुपये का सेल हो रहा है, ठीक है, 6500 रुपये का सेल हो रहा है, G9 इस्लामाबाद में पड़ा हुआ है। उसके बाद है हमारे पास एक अदद कुकिंग रेंज, जो कि 5 बर्नल के साथ आपको देखने को मिल जाता है। इस कुकिंग रेंज में 5 के 5 बर्नल जो है वो चलते हैं, ठीक है, रॉयल किचन में विद 5 गैस बर्नल कुकिंग कैबन, ठीक है, सबसे ज़्यादा लाहौर में इस टाइम मौजूद है और किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओलेक्स पे और आप मैसेजेस मतलब कि कर से कॉल कर लेना, सबसे ज़्यादा बेस्ट यही ऑप्शन है। 7500 रुपये का सेल हो रहा है, लाहौर में मौजूद है, तो भाई लाहौर वाले इसको ट्राई कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाती है वॉशिंग मशीन, जो कि विद ड्रायर के साथ आपको देखने को मिल जाती है, हायर की वॉशिंग मशीन, मॉडल जो है HMW80, 8 kg की मशीन है, ठीक है, दोनों चीज़ें वर्किंग में है, बिल्कुल किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरा चौकीदार आ गया बाहर, वो विसल कर रहा है, उसकी आवाज़ आएगी तो हम उसके लिए आपसे माजत ख्वाह हैं, तो उसको इग्नोर कीजिएगा और अपनी चीज़ पे तवज्जा लाइएगा कि हमारे पास 8 kg में आपको देखने को मिल जाती है, हायर की है, ठीक है, और खानावाल पंजाब में मौजूद है, 11000 रुपये की सेल हो रही है, खानावाल वाले परचेज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास हायर की वॉशिंग मशीन ही आ जाती है,
ठीक है, ये भी वॉशिंग मशीन विद ड्रायर आपको देखने को मिल जाता है, दोनों चीज़ें वर्किंग में है। यहाँ पे एक और बात क्लियर करता जाऊँ यार, ये कोशिश ये करना कि अगर आप चीज़ परचेज करने जा रहे हो या फिर आप उसके किसी के मतलब के कहने पे जो सेल कर रहा है, बिलखसूस जो सेल कर रहा है उसने अपनी चीज़ की तारीफ करनी ही करनी होती है, वो जो चाहे मोबाइल हो चाहे वॉशिंग मशीन हो फ्रिज हो जो भी चीज़ हो इलेक्ट्रॉनिक्स में। पर यहाँ पे एक बात श्योर कर लें कि आप जो चीज़ परचेज करने जा रहे हैं उस पे आपने अपनी तसल्ली 100% कर ली है, तभी उस चीज़ को परचेज करें, ठीक है। अगले की बात पे बिल्कुल ना जाएं, 1% भी अगर आप यहाँ से टस से मस हुए तो आपके जो पैसे हैं ना वो ज़ाया होने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें हर चीज़ खुद चेक करें, खुद तसल्ली करें, अगर पैसे खर्च करने हैं तो चीज़ भी अच्छी लेके आए, ठीक है। अगर आपको कोई फॉल्ट नज़र आता है, आप समझते हो ये ठीक हो जाएगा या इस फॉल्ट की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ सकती है, तो फिर आप चीज़ को छोड़ भी सकते हो। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स का बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता भाई लोग, तो कोशिश करें खुद देखें हर चीज़। G13 इस्लामाबाद में वॉशिंग मशीन मौजूद है, 11,500 रुपये इस वॉशिंग मशीन का मांग रहे हैं, ठीक है। तो इस्लामाबाद वाले भाई परचेज कर सकते हैं। आखिरी नंबर पे हमें देखने को मिल जाता है iPhone 8 Plus, जो कि 64 GB में मौजूद है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ iPhone 8 Plus 64 GB में मौजूद है, टर्मिनल कंडीशन तो वाकई बहुत ज़बरदस्त है भाई, यहाँ पे तो काम ख़राब हो गया है यार, सॉरी। मैंने ना इसका मतलब ये डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ी थी, ठीक है, इसने डिस्क्रिप्शन मैं अब पढ़ रहा हूँ तो मैंने आप लोगों को बताई, अब मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पढ़ के बता देता हूँ। तो पहले ही यहाँ पे मैं मशवरा दे दूँगा आप लोगों को परचेज़ ना करना, अगर आप परचेज़ करोगे तो फ़ायदा कोई नहीं है। फिर भी मैंने अब वीडियो में तो ऐड कर दिया, मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ के बता देता हूँ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, ठीक है। यहाँ पे iPhone 8 Plus 64 GB 10x10 कंडीशन में बैक कैमरा इज़ नॉट वर्किंग, ओ भाई बैक कैमरा ही नहीं चलता, तो सारी चीज़ ही मतलब के यहाँ पे मज़े की बात आप लोगों को बताऊँ कि बाकी ये कहते हैं कि ओनली बैक कैमरा नहीं चलता। ओनली का मतलब क्या, मतलब कि यार एक ही बहुत बड़ी फ़ोन की एक जो चीज़ है वो कैमरा मैटर करती है, ठीक है। आप कैमरा देखते हो सबसे पहले अपने फ़ोन का, तो वही नहीं चलता तो कैसे कोई को ले सकता है कोई, ठीक है। अब इसमें कैमरा नहीं चलता, बैटरी हेल्थ 75%, अब बाकी ऑल ओके है, फिंगरप्रिंट ओके है, मुझसे गिरने की वजह से बैक कैमरा ख़राब हो गया है, 8,000 रुपये का रिपेयर हो जाएगा। पर मैं यही कहूँगा आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है यार इसको परचेज़ करने का, वैसे रावलपिंडी में ये मौजूद है। तो आज की वीडियो में थी यार ये चीज़ें सारी, ठीक है, चीज़ें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को मस्त लाइक, कोई चीज़ चाहिए तो कमेंट सेशन आप लोगों के लिए है, कमेंट करें, अपनी सीडी का नाम लिखें, चीज़ का नाम लिखें, प्राइस हो सके तो मेंशन कर दें, प्राइस जितनी भी आपकी है, मतलब एक राउंड फिगर दे दें छोटा सा, ताकि उसमें ही आपको देख के दिया जा सके, ठीक है, चीज़ दी जा सके मतलब के देख के। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, भाई को लाजमी दुआओं में याद रखें, खुदा हाफिज़।